बच्चों, आज हम लोग बाल भारती पार्ट दो गीत इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक सलाम बिन रज्जाक। सलाम बिन रज्जाक का जन्म 1941 में पनवेल महाराष्ट्र में हुआ था। सलाम साहब का अध्यापन और लेखन कार्य साथ साथ चलता रहा है। आपके लेख, कहानियाँ विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाते रहे हैं। आपको दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र की साहित्य अकादमियों द्वारा विविध सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आपकी प्रमुख कृतियां हैं माहिम की खाड़ी, बादल की आप बीती, नन्हा खिलाड़ी, जिंदगी अफसाना नहीं, नंगी दोपहर का सच आदि। यहाँ पर जो प्रस्तुत पद्य दिया गया है, गद्य दिया गया है, प्रस्तुत गद्य में आपने भावपूर्ण प्रतीकात्मक कहानी में सलाम, लेखक सलाम बिन रज्जाक जी ने इशारा करते हुए लोगों को कि नीयत में खोट नहीं थी, इशारा कर रहे हैं कि जब लोगों की नीयत में खोट नहीं थी तो समाज में चारों तरफ सुख शांति, समरसता, संपन्नता फैली हुई थी। आज लोगों में लालच, स्वार्थ, असंतोष का विष घुल गया है। परिणाम स्वरूप समाज में मतभेद, अशांति फैल गई है। मेल विलाप, सुख, जीवन के संगीत अदृश्य हो गए हैं, गायब हो गए हैं। शांति एवं प्रेम के संदेश देने वालों के तन मन लहूलुहान हो रहे हैं। रज्जाक जी को भावी पीढ़ी से बहुत उम्मीदें हैं। आपका मानना है कि भावी पीढ़ी ऐसा संगीत रच सकेगी जिससे समाज में सुख शांति, सौहार्द का वातावरण बन सकेगा। ये था थोड़ा सा परिचय इस कहानी के बारे में। ये कहानी जो उन्होंने रज्जाक साहब ने लिखा है, इसका नाम है गीत। अब इसकी शुरुआत करते हैं। उन्होंने अपनी से शुरुआत किया है, मेरे बेटे ने हमेशा की तरह उस रात भी कहानी सुनाने का अनुरोध किया। मैं काफी थका हुआ था। इस पर दूरदर्शन से टेलीकास्ट होने वाली खबरों ने मन और मस्तिष्क और भी बोझिल कर दिया। लगता था पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। एक जरा माचिस दिखाने की देर है बस। क्या इंसान पुनः आदिकाल की ओर लौट रहा है? मन बेचैन और मस्तिष्क परागंदा था। मैंने बेटे को पुचकारते हुए कहा, आज नहीं बेटा, आज पापा बहुत थक गए हैं। हम तुम्हें कल सुनाएंगे एक अच्छी सी कहानी। बेटा कहानी सुनना चाहता था, लेकिन रज्जाक साहब उसे टालने की कोशिश किए। लेकिन बेटे की जिद के आगे मैंने थक हार कर कहा, ठीक है, हम कहानी सुनाएंगे, मगर तुम बीच में कोई प्रश्न नहीं पूछोगे। कहानी सुनाने का उन्होंने सुनाने के लिए तैयार हुए और बच्चे से कहे कि मैं कहानी सुनाऊंगा, लेकिन तुम कोई बीच में प्रश्न नहीं पूछोगे। बच्चा मान गया और उन्होंने हामी भर ली, नहीं पूछूंगा, उसने हामी भरी। अब कहानी शुरू करते हैं। पुराने जमाने की बात है। मैंने कहानी शुरू की। कितनी पुरानी? वह बीच में बोल पड़ा। बेटा बोल पड़ा, हूं, मैंने कहा था ना तुम कोई सवाल नहीं पूछोगे। ओ हो, सारी पापा, उसने कसमसाते हुए क्षमा मांगी। अब जो है फिर से कहानी शुरू करते हैं। वैसे बात बहुत पुरानी भी नहीं है, मैंने कहानी जारी रखते हुए कहा, यही कोई 50 बरस हुए होंगे, या हो सकता है 100-200 बरस पुरानी हो, अधिक से अधिक 1000-1200 बरस पुरानी हो, पुरानी भी हो सकती है, या फिर इसे इससे भी ज्यादा। कहते हैं उस ऊंची पहाड़ी के पीछे एक बस्ती थी। बस्ती सचमुच बहुत पुरानी थी। बस्ती में ऊंचे ऊंचे मकान थे। मकानों के आंगनों में फूलों की क्यारियां लगी थी जिनमें रंग बिरंगे फूल खिलते थे।
और हवाओं में हर पल भीनी भीनी खुशबू रची रहती थी। बस्ती के बाहर बागों का सिलसिला था जिनमें तरह तरह के फलदार पेड़ थे। पेड़ों पर परिंदे सुबह शाम चहचहाते रहते। बस्ती के पास से एक नदी गुजरती थी जिससे आसपास की धरती जल संपन्न होती रहती। मनुष्य तो मनुष्य, ढोर डंगर तक को दाने चारे की कमी नहीं थी। गायें बहुत सारा दूध देती। बस्ती के लोग प्रसन्नचित, मिलनसार और शांति प्रेमी थे। पुरुष दिन भर खेत खलियानों और बागों में काम करते, पशु चराते, लकड़ियां काटते और औरतें चूल्हा चक्की संभालती। उनमें जो शक्तिवान थे कुश्तियां लड़ते, लाठी बल्लम खेलते, चित्रकार चित्र बनाते और कवि गीत गाते थे। खुशियां रोज उस बस्ती की परिक्रमा करती और दुख भूले से भी कभी उधर का रुख न करती। उन्होंने उस बस्ती के बारे में वर्णन किया कि चारों तरफ सुख ही सुख था। यहाँ दुख भूल कर भी दुख नहीं करता था आता था। सभी को भरपूर भोजन और वातावरण खुशहाल था। सब लोग अपनी मनमर्जी से खुशी खुशी जी रहे थे। किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं थी। कहते हैं बस्ती के पास ही एक घने पेड़ पर एक परी रहती थी। नन्ही मुन्नी मोहनी मूरत और मासूम सूरत वाली, बड़ी बड़ी आंखों, सुनहरे बालों और सुर्ख गालों वाली परी गांव वालों पर बहुत मेहरबान थी। वह अक्सर अपने चमकदार परों के साथ उड़ती हुई आती और उनके रोते हुए बच्चों को गुदगुदा कर हंसा देती। लड़कियों के साथ सावन के झूले झूलती, आंख मिचौली खेलती, लड़कों के साथ पेड़ों पर चढ़ती, नदी नालों में तैरती, कभी किसी के खलिहान को अनाजों से भर देती, कभी किसी के आंगन में रंग बिरंगे फूल खिला देती। तो परी के बारे में उन्होंने कहा कि जो है परी सुंदर थी और उस बस्ती पर मेहरबान थी। वह आकर के बच्चों के साथ खेलती, सबके साथ घुल मिल जाती। इस तरह से वह भी खुश थी। दिन गुजरते रहे। समय का पंछी काले सफेद परों के साथ उड़ता रहा और मौसम का वह रुपया नए रूप बदलता रहा। फिर पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ कि एक दिन किसी ने उनके खेतों में शरारत का हल चला दिया। बस उस दिन से उनके खेत तो फैलते गए मगर मन सिकुड़ने लगे। गोदाम अनाजों से भर गए मगर नियतों में खोट पैदा हो गई। अब वे अपनी निजी जमीनों के अतिरिक्त दूसरों की जमीनों पर भी नजर रखने लगे। नतीजे के तौर पर खेतों में मक्कारी की फसल उगने लगी और पेड़ छल कपट के फल देने लगे। लालच ने उनमें स्वार्थ का विष घोल दिया। पहले वह मिल बांट कर खाते थे, मिलजुल कर रहते थे, मगर अब उनकी हर चीज विभाजित होने लगी। खेत खलियान, बाग बगीचे, घर आंगन, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पूजा घरों तक को आपस में बांट लिया और अपने अपने खुदाओं को उनमें कैद कर दिया। उनकी आंखों की कोमलता और दिलों की उदारता हथेली पर जमी सरसों की तरह उड़ गई। दावतों का सिलसिला बिखर गया और महफिलें उजड़ गईं। तस्वीरों के रंग अंधे और गीतों के बोल बहरे हो गए। अब न कोई तस्वीर बनाता था, न कोई गीत गाता था। हर घड़ी हर कोई एक दूसरे को हानि पहुंचाने की फिक्र में रहता। तो इस तरह जहां सबके अंदर जो है अच्छाइयां थी, लोग मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे, अब जो है उनमें नफरत पैदा हो गई। लोग अपनी धन दौलत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और आपस में बैर शुरू हो गया, एक दूसरे की हानि पहुंचाने के चक्कर में रहने लगे। इस तरह इनका रूप बदल गया। बस्ती वालों के ये बदले हुए रंग ढंग देखकर वह नन्ही परी बहुत दुखी हुई। वह सोचने लगी आखिर
बस्ती वालों को क्या हो गया है? ये क्यों एक दूसरे के बैरी हो गए हैं, क्यों एक दूसरे के शत्रु हो गए हैं? मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वह अब भी बस्ती में जाती, बच्चों को गुदगुदाती और औरतों के साथ गीत गाती, उनके खेत खलिहानों के चक्कर लगाती, आंगनों में घूमती फिरती, मगर अब वह सब उसकी तरफ बहुत कम ध्यान देते। बस्ती वालों की उपेक्षा के कारण नन्ही परी उदास रहने लगी। लोग परी की तरफ ध्यान नहीं देते थे तो परी को उपेक्षित महसूस हुआ तो वह भी उदास रहने लगी। आखिर उसने बस्ती में आना जाना कम कर दिया, बहुत कम आने जाने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने बस्ती में आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। बस्ती वाले आपस में झगड़े टंटों में इतने उलझे हुए थे कि शुरू में उन्हें उसकी अनुपस्थिति का आभास ही नहीं हुआ। मगर जब सुहागनों के गीत बेसुरे हो गए और कुंवारियों ने पेड़ों की टहनियों से झूले उतार लिए और बच्चे खिलखिलाकर हंसना भूल गए, तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी कोई अनमोल वस्तु खो दी है। बस्ती वाले चिंतित हो गए, उसे कहाँ ढूंढें, कहाँ तलाश करें। जब उनके सारे परेशानियां सामने दिखने लगी तब उन्हें परी की याद आई और उस परी को ढूंढने लगे। पहले तो उन्होंने उसे अपने घरों के आंगनों में तलाश किया, मैदानों में भटके, पेड़ों पर और गुफाओं में देखा, मगर वह कहीं नहीं थी। अब उनकी चिंता बढ़ने लगी, मगर बजाय इसके कि वे मिल बैठकर सर जोड़कर उसके बारे में सोचते, वे एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे कि परी उनके कारण रूठ गई। अब तो उनके दिलों की नफरत और भी गहरी हो गई। लोग एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे कि तुम्हारे कारण परी रूठ गई है, तुम्हारे कारण रूठ गई है। इस तरह उनके अंदर और नफरत बढ़ गई। उन्होंने एक दूसरे के खेत खलिहानों को नष्ट करना और पशुओं को चुराना शुरू कर दिया। धोखा, फरेब, लूटमार, हत्या, विनाश रोज का नियम बन गया। जब पानी सर से ऊंचा हो गया और बचाव का कोई उपाय नहीं रहा, बहुत उपद्रव हो गया, बहुत परेशानियां हो गई, बचाव का कोई रास्ता नहीं रह गया, तब बस्ती वालों ने तय किया कि एक इस प्रतिदिन के उपद्रव से अच्छा है इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, रोज की परेशानी खत्म कर दिया जाए। इस निर्णय के बाद वे दो गुटों में बंट गए। सारे युवक हाथों में बल्लम और तलवारें लिए मैदान में एक दूसरे के सम्मुख आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों से क्रोध और नफरत की चिंगारियां निकल रही थी और उनकी मुट्ठियां बल्लम और तलवारों की मूठों पर मजबूती से कसी हुई थी। एक दूसरे पर झपट पड़ने को तैयार खड़े थे। सब जो है लड़ाई के लिए दो गुट में बना करके खड़े हो गए, अपना अपना हथियार लेकर के। तभी एक अनहोनी हो गई। फिजा में एक महीन सा सुर बुलंद हुआ, जैसे किसी परिंदे का कोमल पर हवा में कांप रहा हो, कोई गा रहा था। कहीं से गाने की आवाज सुनाई पड़ी। उन्होंने आवाज की ओर देखा। पहले तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, मगर जब उन्होंने बहुत ध्यान से देखा तो उन्हें नन्ही परी एक पेड़ की डाल पर बैठी दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए और गाल आंसुओं से भीगे हुए थे, पर नूचे हुए और कपड़े फटे हुए थे, जैसे वह घनी कांटेदार झाड़ियों के बीच से गुजर कर आ रही हो। उसके पांव नंगे और तलवे जख्मी थे। वह पेड़ से उतरकर मैदान के बीच में आकर खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ फिजा में बुलंद कर रखे थे, जैसे उन्हें एक दूसरे पर हमला करने से रोकना चाहती हो। जो दो गुट लड़ाई करना चाहते थे उनके बीच में वो खड़ी हो गई। उनको जैसे लग रहा था कि वो रोकना चाह रही। तलवारों की मूठों और बल्लमों पर कसी हुई मुठ्ठियां तनिक ढीली हुई। जो तैयार थे सब लोग लड़ाई के लिए वो थोड़ा नरम पड़ गए। वह गा रही थी, उसकी आवाज में
ऐसा दर्द था कि उनके सीनों में दिल तड़प उठे। आवाज धीरे धीरे बुलंद होती गई, इतनी बुलंद जैसे सितारों को छूने लगी हो। उसकी आवाज चारों दिशाओं में फैलने लगी, फैलती गई, इतनी फैली कि चारों दिशाएं उसकी आवाज की प्रतिध्वनि से गूंजने लगी। लोग अचरज से आंखें फाड़े, मुंह खोले उसका गीत सुनते रहे, सुनते रहे। सभी लोग अब जो है परी की गीत को सुनने लगे, यहां तक कि उनके हाथों में दबी तलवारें फूलों की छड़ियों में परिवर्तित हो गई और बल्लम मोरछल बन गए। जो तलवारें थी वो फूल की छड़ियां बन गई। गीत के बोल उनके कानों में रस घोलते रहे और धीरे धीरे वह सब एक दूसरे से एक अनदेखी अनजान डोर से बचते चले गए, जैसे वह सब एक ही माला की मोती हो। जो पहले एक दूसरे से वैमनस कर रहे थे अब उनमें एकता की भावना पैदा हो गई, उन्हें एक दूसरे के प्रति प्रेम पैदा हो गया, जैसे वह एक ही माँ के हो जाएं, यानी एक ही माँ के बेटे हों, अपनत्व पैदा हो गया। उधर गीत समाप्त हुआ और वह अपनी मैली आस्तीनों से आंसू पोंछते हुए एक दूसरे के गले लग गए। सभी लोग गीत समाप्त होते ही एक दूसरे के गले लगने लगे और जैसे उनमें भाईचारा पैदा हो गया। अब आंसुओं का गुबार कम हुआ तो उन्होंने अपनी प्यारी परी को तलाश करना चाहा, मगर वह उनकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। जब वे अपने आंसुओं को पोंछ करके फ्री हुए तो देखा अपनी नन्ही परी की ओर देखना चाहा, खोजना चाहा, मगर नन्ही परी तब तक वहां से ओझल हो चुकी थी, यानी वो चली गई थी, गायब हो गई थी। बस्ती वालों ने उसे बहुत ढूंढा, वादी वादी जंगल जंगल आवाजें दी थी, मिन्नते की, मगर वह दोबारा जाहिर नहीं हुई, फिर से नहीं मिली। तब बस्ती वालों ने उसकी याद में एक मूर्ति बनाई, उसे बस्ती के बीचों बीच मैदान में स्थापित कर दिया। कहते हैं आज भी बस्ती के लोगों में जब कोई विवाद होता है, कोई झगड़ा होता है, सब मैदान में उस मूर्ति के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और उस गीत को दोहराने लगते हैं। इस तरह बस्ती वाले आज भी उस गीत के कारण शांति और चैन से जिंदगी बिता रहे हैं, जैसे उनके दिन फिरे, खुदा हम सबके भी दिन फेरे। मैंने कहानी खत्म करके अपने बेटे की तरफ देखा, चेहरा बिल्कुल सपाट था। मैंने जम्हाई लेते हुए कहा, चलो अब सो जाओ, कहानी खत्म हुई, खत्म हो गई। उसने कहा, पापा आपने कहा था कहानी सुनाते समय कोई प्रश्न नहीं पूछना। हाँ मैंने कहा था और तुमने कोई प्रश्न नहीं पूछा, तुम बड़े अच्छे बच्चे हो, अब सो जा। मगर पापा कहानी तो खत्म हो गई, मैं अब तो प्रश्न पूछ सकता हूं ना। मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, चलो पूछो, क्या पूछना चाहते हो। पापा वह कौन सा गीत था जिसे सुनकर गांव वाले दोबारा गले मिलने पर मजबूर हो गए। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा, थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे वह गीत याद नहीं है बेटा। नहीं पापा, उसने मचलते हुए कहा, मुझे वह गीत सुनाइए, वरना मैं समझूंगा कि आपकी कहानी एकदम झूठी थी। मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर दबे स्वर में बोला, हाँ बेटा यह कहानी झूठी है, कहानियां अक्सर काल्पनिक होती हैं। वह मुझे उसी तरह अपलक देख रहा था। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मगर तुम इस झूठी कहानी को सच्ची बना सकती हो। वह कैसे, उसने हैरानी से पूछा। बड़े होकर तुम वैसा गीत लिख सकते हो जैसा उस परी ने गाया था। बेटे की आंखों में चमक पैदा हुई, बेटा खुश हो गया, सच पापा, एकदम सच। उसने मेरे गले में बाहें डाल दी। यू आर सो स्वीट पापा, उसने आंखें बंद कर ली। वह जल्द ही सो गया, मगर मैं रात में बहुत देर तक जागता रहा, बार बार मेरे मन में
एक ही विचार कुलबुला रहा था कि क्या मेरा बेटा वैसा गीत लिख सकेगा। इस तरह से ये पाठ समाप्त हुआ। यहाँ पे कुछ हम शब्द वाटिका देखेंगे। शब्द हैं जो आए हुए हैं पाठ में, इनका अर्थ भी देख लेंगे। परागंदा यानी अस्त व्यस्त, मोरछल मोर पंखा बना चंवर, अनुरोध विनती करना, बोझिल भारी वजनदार, अभ्यस्त जिसने अभ्यास किया हो, निपुण हो जिस कार्य में, अपलक एकटक लग। अभी कुछ मुहावरे आए हुए हैं, दिल तड़पना इसका अर्थ है बेचैन होना, आंखें फाड़ कर देखना आश्चर्य से देखना, नजरों से ओझल होना, गायब होना, गले लगाना, प्यार से मिलना। इस तरह आज जो है इस पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।